यहाँ अगर रोकना चाहे तो बिरसा ब्रिगेड की ओर से आखिरी टिप्पणी क्या होगी नौ इन सारे अगस्त के इश्यूज दिन को हमने लेकर? भारत बंद किया है। भारत बंद यानी हम अपनी दुख को प्रदर्शित करेंगे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। ये देश जिसने आदिवासी को आदिवासी नहीं माना, यहाँ का प्रधानमंत्री बोलता है जनजाति गौरव दिवस, खोले हम आदिवासी बोलने से इनको लगता है, जब प्रचार करते हैं पब्लिक में वोटों के लिए तो बोलते हैं नहीं नहीं हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। आदिवासी को आदिवासी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आरएसएस वनवासी क्यों बोल रहे हैं आदिवासी को? क्यों डर रहे हैं ये? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएंगी। इस देश में इनका क्या स्टेटस है? ये बाहरी है, ये सबको मालूम है। हम मालिक है इस देश के, थे और रह गए। वी आर द लीगल ओनर ऑफ दिस कंट्री। हम लोग इस देश के नागरिक ही नहीं, इस देश के मालिक भी है। और आदिवासी देश का मालिक है। यहाँ के दलित, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये उनके वंशज है। और ये लड़ाई हमको लड़ना है फ्यूचर में। इसके लिए बिगर लड़ाई कुछ नहीं होने वाला। अगली लड़ाई जमीन की लड़ाई है, जल जमीन जंगल की लड़ाई है। रिजर्वेशन खत्म है। पहले आपके पास जमीन थी तो जिंदा थे हम। अब जमीन भी खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। आप कौन से आधार पर समाज को जिंदा रखने की कल्पना करेंगे? फिर बाबा साहब तो नहीं है कोई। तो बिरसा ब्रिगेड ये जो भारत बंद का ऐलान करता है, यही सब तो डिसीजन के खिलाफ में जो हमारे साथ हो रहा है, विश्व के किसी देश में ऐसे आदिवासियों के साथ ये हो रहा ये है। तो सांकेतिक बात हो गई, लेकिन इसे कानूनी लड़ाई के तौर पर तो लड़ना होगा। लड़ेंगे ना कानूनी लड़ाई विश्व? अरे हम तो अम्बेडकर की औलाद है,